हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाया करे। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस से लिया गया है। ये हमारा लेसन नंबर 9 है। तो इससे पहले हमने 8 लेसन है वो हमने कर लिए हैं जो कि आपको हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हमारा जो 9वां लेसन है उसका क्या नाम है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। यहाँ पर हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि जो अगर हमने यहाँ पर पता करना होगा कि भाई यहाँ पर कौन सारी जो चीज़ें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है कौन सी नहीं है, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको जो बातें हैं वो आपको जानने को मिलेंगी, हैबिटेट्स क्या होता है और यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो उसको हम अपने प्रीवियस चैप्टर से भी कोरिलेट करते हुए चलेंगे, तो आपने हमारे साथ बने रहना है, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो गर्ल है इसका नाम है पहेली और यहाँ पर जो बॉय बैठा हुआ है उसका नाम है यहाँ पर बुजो। तो ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इनकी बता रहे थे कि भाई इनकी ट्रिप जाती है जैसे कि ऋषिकेश में, ठीक है, जहाँ पर आपको रिवर गंगा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी जगह घूमी, ठीक है ना। तो ये ट्रिप पर गए कहाँ कहाँ पर गए, अगर आप देख पाएंगे कि ये डेजर्ट में गए, ठीक है, डेजर्ट मतलब कि जो रेगिस्तान है राजस्थान में ये लोग पहले गए। आपको पता है ना कि अगर आपको भारत का जो मरुस्थल है वो आपको ज़्यादातर राजस्थान में ही देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पर उसका नाम है थार मरुस्थल, थार डेजर्ट। तो ये पहले राजस्थान में गए, उसके बाद ये कहाँ गए, उत्तराखंड में, ठीक है, ऋषिकेश गंगा वहाँ पर आपको पता है ना कि ये आपको वहाँ देखने को मिलता है। तो ये उत्तराखंड में गए, उत्तराखंड आपको पता है कि वो माउंटेनस रीजन है, वहाँ पर आपको बहुत सारे पर्वत पहाड़ ये देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हिमालय वाला रीजन आप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हिमालय वाला जो रीजन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और बाद में ये चले गए गोवा, ठीक है, गोवा जैसे कि आपको पता है ना वहाँ पर आपको बीच वाला इलाका बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जो समुद्री तटों के इलाके से यहाँ पर लगता है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक बात पर ध्यान देंगे तो आपको क्या पता लगेगा कि अगर आप पर्वतों पर जाते हैं तो वहाँ पर ठंड लगती है। अब ठंड लगती क्यों है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अगर आप जाओगे चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है ना। आपने चंडीगढ़ नाम तो जरूर सुना ही होगा, भी ये एक शहर है और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे चंडीगढ़ में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, अगर आप वहीं जाएंगे हिमाचल में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न यही है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हम जो ये तापमान है आप कह सकते हैं जो ठंड है वो बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर और बात कर लें, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली पर्वतों की, ठीक है, ये तो हमने बात की सिर्फ पर्वतों की। अगर आप जाएंगे रेगिस्तान में, जैसे कि आप राजस्थान में चले जाएं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर गर्मी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आप जाएंगे गोवा, जैसे गोवा वाले बीच पर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ह्यूमिड, ह्यूमिड क्या होता है, वहाँ की हवा में पानी की जो मात्रा है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जो धूप की किरणें हैं जब वो पानी पर पड़ेंगी तो क्या होगा, जब पानी की किरणें, आपको पता है ना कि ये जो पानी होता है वह भाप बनकर उड़ने लग जाता है, तो ये जब भाप बनकर उड़ेगा, ठीक है, इवेपोरेशन होगी, तो उसकी जो पानी की मात्रा है, ठीक है ना, तो वो पानी की मात्रा वहाँ के एनवायरमेंट में मिक्स हो जाएगी, तो वहाँ पर आपकी जो ह्यूमिडिटी की मात्रा है वो बढ़ जाती है। कहाँ पर, आप जैसे कि मुंबई वाले रीजन में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मुंबई वाला रीजन आपको पता है ना कि ये भी समुद्रों के पास ही देखने को मिलता है, तो आपने ये भी समझना है। और अगर आप यहाँ पर बात करें जैसे कि रेगिस्तान में गर्मी, पर्वतों में सर्दी और यहाँ पर गोवा वाले बीच पर यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी तरह आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऐसे छोटे मोटे चूहे या फिर छोटे मोटे सांप मिलेंगे, या फिर आपको वहाँ पर ऐसी वेजिटेशन या फिर ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप वहीं पर पर्वतों वाले इलाके में चले जाएंगे तो आपको जहाँ पर दिखाई दे रही है ना, जैसे कि शिप्स हो गई या फिर जो जंगली बकरियां होती हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलती है। अगर आप इसी तरह कहीं और वाले इलाके में चले जाएं, प्लेन्स में चले जाएं, तो उस तरह की आपको वहां पर जो जानवर हैं, जहां वहां की वेजिटेशन है वो यहां पर देखने को मिलती है। तो ये
इस चैप्टर में आपको यही सारी यहाँ पर बातें बताई हुई हैं। अब बात यहाँ पर करते हैं ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ज़्यादातर आपको लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गाय, भैंस, पेड़ पौधे, यहाँ पर जो मनुष्य हैं ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर डॉग्स हो गए, और यहाँ पर जो कैट्स हो गई, रैट्स, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, ये सब ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, पेड़ पौधे हो गए, बर्ड्स हो गए। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, कि जो हम यहाँ पर आसपास रह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे कि हमने अभी बीच की बात की थी कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, अब अगर आप जा रहे हैं गोवा में, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको वहाँ पर मछलियाँ देखने को मिलेंगी पानी में, ठीक है ना। तो पानी में तो आपको मछलियाँ ही देखने को मिलेंगी ना। अगर आप वहाँ पर बात करें तो केकड़े, केकड़े आपने सुने हैं, क्रैब्स, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्रैब्स कहते हैं, तो आपको वहाँ पर क्रैब देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह वहाँ पर आपको फिशरमैन भी देखने को मिल जाएंगे जो वहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे होंगे। अगर आप बात करें यहाँ पर पर्वतों की, तो पर्वतों में आपको वहाँ पर कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे कि गॉड्स हो गई, गॉड्स हो गई, और यहाँ पर याक, ठीक है, ये दोनों जानवरों के नाम है। अगर आप बात करें यहाँ पर रेगिस्तान की, तो वहाँ पर आपको मारुथली इलाका होगा और वहाँ पर आपको ऊँट ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी के यहाँ पर मिलने का कारण क्या है, इसको भी यहाँ पर बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि ऊँट वाला जो यहाँ पर ऊँट है वो आपको बीच वाले इलाके में या फिर पर्वतों में क्यों नहीं मिलते, ठीक है ना। तो इन सभी के बातों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी बताई हुई है कि आपने क्या करना है, लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट, कि आप यहाँ पर जंगल का एक आप ब्यौरा करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप कौन कौन से यहाँ पर प्लांट्स या फिर एनिमल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बातें यहाँ पर बताई हुई हैं कि आप क्या करेंगे, पहले आप जंगलों में जाएंगे, फिर आप पर्वतों पे जाएंगे, फिर आप या फिर डेजर्ट्स में जाएंगे, या फिर जो समुद्री इलाके होते हैं, और यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर देखना है कि भाई ये जो जो भी यहाँ पर आपको प्लांट्स या फिर जो जानवर देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर क्यों देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो अगर आप कह सकते हैं कि जो आपको पर्वतों में जो जानवर मिलते हैं वो आपको मैदानी इलाकों में क्यों नहीं मिलते, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हैबिटेट एंड एडेप्टेशन की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये जो टर्म है। तो हैबिटेट क्या होता है और यहाँ पर एडेप्टेशन क्या होती है, तो इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सैलिन। सैलिन यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर सैलिन का क्या मतलब है, ठीक है। तो सैलिन का मतलब ये होता है, सैलिन वाटर का मतलब कि जो पानी की मात्रा होती है उसमें जो नमक होता है वो मिक्स होता है, ठीक है। तो समुद्री, आपको ये भी पता होगा कि नमक कैसे बनता है, जो हम नमक कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये प्रीवियस चैप्टर में आपको याद आ रहा होगा कि नमक की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है। अब ये आपका होमवर्क है, आपने ये हमें कमेंट करके बताना है कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन किस में होता है, नमक में होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सी जो बीमारी है वो ह्यूमन बींग्स को हो जाती है, ये आपने जरूर से लिखना है, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर सैलिन की, तो यहाँ पर जो सॉल्टी वाटर है जो आपको समुद्रों में देखने को मिलता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर आपको प्लांट्स हैं, ठीक है, तो ये सभी क्या है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो नमक है ये आपको पानी में यहाँ पर घुला हुआ यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो यहाँ पर अगर आप डेजर्ट वाले एरिया की बात करें, ठीक है ना, तो डेजर्ट वाले अगर एरिया की बात करें या फिर रेगिस्तान की बात करें, तो वहाँ पर अगर आप पानी की मात्रा देखें तो पानी की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। अगर हम वहाँ के तापमान की बात करें तो तापमान वहाँ का कितना गर्म होता है, ठीक है। अगर आप रेगिस्तान वाले लोगों से पूछोगे कि भाई वहाँ पर कितनी गर्मी होती है, तो कहेंगे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। अब आप ऐसा खुद भी समझ सकते हैं कि भाई रेतीला इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर हम वहाँ पर बात करें वहाँ के तापमान की, तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात को बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर माउंटेन्स वाला रीज़न है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ पर आपको कह सकते हैं कि जो तापमान है वो ऊपर ऊपर ठंड यहाँ पर बढ़ती जाती है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो समुंदर हैं और यहाँ पर जो रेतीले हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो प्लांट्स और आपको जो एनिमल्स मिलते होंगे, ठीक है ना, जो आपको रेगिस्तान में और जो पर्वतों में, ठीक है ना, या फिर आपको समुद्री इलाकों पर जो आपको जानवर मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, ठीक है ना, तो वो आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि मछलियाँ समुद्रों में, अगर आप यहाँ पर बात करें कि भाई जो ऊँट है, ठीक है ना, तो ऊँट यहाँ पर आपको कहाँ मिलता है देखने के लिए, ये रेगिस्तान में देखने को मिलता है। तो भाई ये रेगिस्तान में देखने को क्यों मिलता है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ऊँट है, ठीक है ना,
ऊंट ने खुद को क्या कर लिया है, ऊंट ने खुद को उस सिचुएशन के हिसाब से ढाल लिया है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे ऊंट के बारे में, तो ऊंट क्या करता है, ऊंट को ज्यादा पानी की एक बार जरूरत पड़ती तो है, बट उसका पसीना नहीं निकलता। और अगर वो जो एक्सक्रीशन करता है, ठीक है ना, जैसे कि एक्सक्रीशन है, यूरिन है, वो बहुत ही कम करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें गोबर की, ठीक है ना, तो अगर आप गाय के या फिर जो बफेलो है, ठीक है, उसके गोबर को आपने जरूर देखा होगा, तो वहाँ पर आप देख पाते होंगे कि भाई उसमें पानी की जो मात्रा होती है, ठीक है, उसके डंग में, उसके गोबर में, तो वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कैमल की, ठीक है, अभी हम रेगिस्तान वाले रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैमल की, तो कैमल्स को पसीना नहीं होता, इनकी जो टांगे होती हैं, जो उनकी लेग्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि भाई रेतीले इलाकों में ये बहुत ही लंबे लंबे पैर होते हैं, और ये जो गर्मी है, ठीक है, ये इनके शरीर तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए जो इनकी पानी है, ठीक है, इनके शरीर में जो पानी है वो काफ़ी काफ़ी दिनों तक ये उसमें बचा रह जाता है, जिसको ये धीरे धीरे कंज्यूम करते रहते हैं। और यहाँ पर हमने देख लिया कि जो इसका डंग है, ठीक है, गोबर में इसके ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होता, ना इनको ज़्यादा पसीना आता है, और यहाँ पर जो इनकी बॉडी से भी ज़्यादा पानी निकलता नहीं है। और एक बार अगर पानी पी लें तो ये काफ़ी दिनों तक, और कई बार ये बिना भोजन के भी कई दिनों तक ये जीवित रह सकते हैं। अगर हम इसकी ऑपोजिट की बात करें, ठीक है, जैसे कि समुद्र वाले इलाकों की, समुद्री इलाकों की हमने बात की थी, तो वहां पर आपको कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे कि मछलियां हो गई, ठीक है। मछलियों को अगर आप देखेंगे तो यहां पर मछलियां कैसे रहती हैं, ठीक है, तो मछलियों की अगर हमने देखें, तो हमने प्रीवियस ईयर में, कल ही हमने स्ट्रीम लाइंड शेप के बारे में बात की थी, ठीक है ना, स्ट्रीम लाइंड शेप। तो स्ट्रीम लाइंड शेप कैसे होती है कि आगे से बिल्कुल ही त्रिकोणी सी, ठीक है ना, तो ऐसे आपने देखी थी ना, ऐसे शिप फिश की शेप होती है, और यहाँ पर बैक से कुछ ऐसी होती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको फिन्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, जो इसके कह सकते हैं कि जहाँ से ये तैर पाती है, ठीक है, तो ये फिश है हमारी। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो शेप है वो स्ट्रीम लाइंड है, तो ये सांस, ये भी तो सांस लेती होगी, तो ये गलफड़ों से अपने सांस लेती हैं, ठीक है ना। जैसे कि इनके बॉडी में क्या होते हैं, जैसे हमारे में तो फेफड़े होते हैं जहाँ से हम सांस ले पाते हैं, और इनकी बॉडी में इसी तरह क्या होते हैं, इनकी बॉडी में गिल्स होते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी ऑप्शन में आ जाता है कि भाई मछलियाँ किससे सांस लेती हैं, वहाँ पर आ गया होगा लंग्स, गिल्स, तो ठीक है ना, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है, ये जो मछलियां होती है वो गिल्स से सांस लेती हैं, गलफड़े जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसी तरह आप अगर आप देख पाते होंगे कि जो इसके फिन्स हैं, ठीक है, ये इसकी मदद से ही पानी में बड़े अच्छे ढंग से ये तैर पाती हैं, इनका बैलेंस बना रहता है पानी में। और इसी तरह आपको और भी बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाते होंगे, समुद्री जीव, जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर रहते होंगे। अगर हम यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, प्लांट्स और यहाँ पर एनिमल्स की, तो यहाँ पर हमें और कौन सी बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर उसकी बात भी कर लेते हैं कि यहाँ पर इनमें ना, अगर आप देखेंगे इन जानवरों में, जैसे कि फिश, फिश ने भी अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है कि भाई मैंने पानी में ही रहना है, ठीक है। तो अगर आप ऊँट को देखेंगे, तो ऊँट की टांगे इतनी लंबी लंबी हैं, ठीक है, जो जानवर आपको पर्वतों में, या फिर आप कह सकते हैं जो माउंटेन में आपको जो जानवर देखने को मिलते हैं, उनकी टांगे इतनी लंबी क्यों नहीं होती, आपने कभी ये सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में वो क्या हो चुके हैं, ढल चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आप जंगली भालू को देखें, ठीक है, जो पोलर बियर होता है, पोलर बियर आपको पता है ना कहाँ पर होते हैं, जो पोल्स पर होते हैं, जो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में जो आपको भालू देखने को मिलते हैं, तो उनकी अगर आप चमड़ी देखेंगे, तो चमड़ी उनकी कितनी ज़्यादा मोटी होती है। अगर आप उसको जंगल वाले भालू से देखें, तो क्या जंगल वाला जो भालू है, जो आपको आमतौर पर जंगलों में देखने को मिलता है, तो क्या वो भालू पोलर्स रीजन पर रह सकता है जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है? बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि भाई जो वहाँ पर आपको पोलर रीजन में जो आपको भालू देखने को मिलता है, उसकी चमड़ी इतनी ज़्यादा मोटी है कि वो ठंड को, जो भी सर्दी है, उसके तापमान को बियर कर सकती है, मतलब कि उसको संभाल सकती है, ठीक है ना। अगर आप दूसरे जानवरों की बात करें, भाई वो इतनी ठंड में नहीं रह सकते। अगर आप यहाँ पर किसी भी डॉग को उठाकर पोलर रीजन में ले जाएं, ठीक है, या फिर कनाडा में ले जाएं, या फिर किसी और जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है ना, तो वो उस एनवायरमेंट में बड़ी मुश्किल से ही आप कह सकते हैं कि अडेप्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप अडेप्टेशन की अगर डेफिनेशन देखें, तो कोई भी ऐसी जगह, ठीक है, कोई भी जानवर है, वो क्या करता है, वो अपने आप को प्राकृतिक तौर पर तब्दील कर लेता है कि भाई हम उस जगह पर रह सकें। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या हैं, आप पंजाब से हैं, अब जा रहे हैं आप हिमाचल में, तो क्या आप एक दो दिन तक अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपका रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और वहाँ पर आपको जो खान पीन मिलेगा,
ठीक है, वो बहुत ही अलग तरह का मिलेगा। तो क्या आप वहाँ पर रह पाएंगे अच्छे ढंग से? नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगर आप बात करें जो हिमालयन रीजन में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो अगर यहाँ पर पंजाब में आएंगे तो उनको तो भाई पता नहीं है कि भाई इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ का उन लोगों का यहाँ पर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप वही आप अपनी बात कर लें, आप हिमालय रीजन में जाएंगे वहाँ पर आपका रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको ये भी पता होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ठीक है ना, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे हिमालय वाले रीजन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपको कुछ दिन वहाँ पर बड़ी मुश्किल हो पाएगी, ठीक है ना, तो आपको रहने में सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। बट धीरे धीरे आपकी क्या होगी, जो बॉडी होगी वो वहाँ पर रहने के लिए क्या हो जाएगी, आप कह सकते हैं कि भाई आप धीरे धीरे वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये तो आपने देख लिया, इसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर जो है धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, तब्दील हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें हैबिटेट की, तो अब ये हैबिटेट क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको पानी, हवा और कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी हमें रहने के लिए जगह है, ठीक है, फूड शेल्टर, जो हमें ये सारी जो जगह मिल पा रही है, ठीक है, जैसे कि हमारा घर है, यहाँ पर आपको भोजन भी मिल पा रहा है, हवा भी मिल पा रही है, जो जल है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर आपको मिल पाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पर हैबिटेट कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, लिखा हुआ हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और भी हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को, जीव जंतु को ज़रूरत होती है, वो अगर हमें मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होता है, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जहाँ पर प्लांट्स, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये जिस लैंड पर रह रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि जंगल हो गया, ठीक है ना, घास के मैदान, ग्रास लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, घास के मैदान, फॉरेस्ट, वन या फिर जंगल, डेजर्ट्स क्या होते हैं, मारुथल, कोस्टल और माउंटेन रीजन, मतलब कि कोस्टल जो तटवर्तीय एरिया, तटवर्ती एरिया कौन सा होता है, जैसे कि जो समुद्रों के पास वाला जो इलाका होता है उसको हम कोस्टल रीजन कहते हैं। माउंटेन रीजन आप जानते ही हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है ना, तो ये वाले सारे रीजन कौन से होते हैं, ये माउंटेन रीजन्स होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, मतलब कि जो धरती और यहाँ पर जहाँ पर आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर एक बात बताई हुई है कि भाई आप कहीं भी जाते हैं माउंटेन्स में, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपका रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर आप कुछ टाइम के बाद आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप गए हिमाचल में और वहाँ पर माना आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई खाने में, पीने में, सांस लेने में, तो उसको आप थोड़े दिनों बाद आप क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए आप उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, उस पर्यावरण में रहने के लिए अपने आप को थोड़ा सा, आपकी बॉडी अपने आप ही खुद थोड़ी बहुत चेंजेस ला देती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्लीमेटाइजेशन, उसको यहाँ पर हम कहते हैं, ये टर्म लिखी हुई है तो आपने इसको भी याद कर लेना है, ठीक है ना, याद नहीं करना मतलब आपने जो भी हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपने उसको अच्छे ढंग से समझ लेना है। तो ये यही आपको सभी चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक और बात बताई हुई है कि जो आप थोड़े समय के लिए चेंजेस लाते हैं अपनी बॉडी में, अपने आप जो आपकी बॉडी चेंजेस लाती है उसको हम एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है, एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अडेप्टेशन की, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर आपने देखा था ना, यहाँ पर अडेप्टेशन लिखा हुआ है, तो अडेप्टेशन आपको बहुत ही हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है ना, आपकी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए काफ़ी हजारों साल लग जाते हैं, तभी ये क्या कहलाता है, ये अडेप्टेशन कहलाता है। तो जो जो यहाँ पर जंतु हैं वो अपने शरीर में बदलाव ला पाते हैं तो वो तो रह जाते हैं जीवित, ठीक है, मतलब कि वो जिंदा रह जाते हैं। जो जो ये अपने शरीर में एनवायरनमेंट के बदलने से अपने शरीर में बदलाव ना ला पाएँ वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक्वाटिक हैबिटेट्स की, आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा एक्वाटिक हैबिटेट्स की, तो ये अब एक्वाटिक हैबिटेट्स क्या होते हैं, तो ये वो जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि जो लेक्स है, ठीक है, लेक्स मतलब कि जो आपको जो झील देखने को मिलती है, रिवर्स, नदियाँ और ओशंस क्या होते हैं, जो आपको बड़े बड़े महासागर, समुद्र देखने को मिलते हैं, तो ये सभी क्या हैं, ये सब एक्वाटिक हैबिटेट हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको पानी वाले जीव जंतु हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वेरिएशन भी देखने को मिलती है, जैसे कि जो यहाँ पर जानवर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एरिया या फिर माउंटेन
रीजन में रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के होंगे, और जो आपको पानी में देखने को मिलते होंगे वो अलग प्रकार के होंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है ना, तो ऑर्गेनिजम्स को भी यहाँ पर दो पार्ट्स में बांटा जाता है, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल को, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर प्लांट्स, ठीक है, जो जीव जंतु होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है ना, बायोटिक कंपोनेंट्स आपको ये याद रख लेना है। अगर हम यहाँ पर बात करें ए बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो ये कौन से होते हैं, तो जैसे कि आप देखते होंगे कि जो हमारे पत्थर हैं, रॉक्स हो गए, सॉयल हो गई, यहाँ पर जो एयर है और यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है ना, तो आपने ये भी समझ लेना है। तो आपको ये जर्मिनेटेड पता है क्या होता है, जर्मिनेटेड, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि भाई हमने ना एक लास्ट कुछ लेसन्स में, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे लेसन में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने क्या किया था, जो भीगे हुए चने होते हैं उसको हमने छोड़ देना है, ठीक है, उसको निकाल कर हमने 2-3 दिन के लिए ऐसे छोड़ देना है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि उसमें आपको कुछ बीज दिखाई देंगे, ठीक है ना, जब बीज नहीं मतलब कि आपको उसमें से कुछ एक ऐसा स्पेस शेप्स का, मतलब कि उसमें से आप ना हरा हरा टाइप का, एक वाइट वाइट टाइप का आप उसमें देख पाएंगे, ठीक है ना, तो वो क्या था, वो स्प्राउटेड सीड्स थे, ठीक है, स्प्राउटेड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जर्मिनेटेड भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा हुआ है तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, तो बेसिकली मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इसमें उन्होंने क्या बात कही हुई है। इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, उन्हीं भीगे हुए चने को या फिर मूंग होगी, जो भी दाल होगी, आपने उसको भिगो कर आपने ना अलग अलग उसको जगह पर रख देना है, ठीक है, जैसे कि एक आपने बंद कमरे में रख देना है, एक आपने धूप में रख देना है, एक को आपने बॉटल में रख देना है, एक को आपने ज़मीन में गाड़ देना है, तो आप देख पाएंगे कि भाई आप ना उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो अलग अलग तरीके से हो रही होगी, ठीक है ना, अंधेरे वाला शायद अच्छी तरह से ग्रो ना ही कर पाए, जो धूप में रखा होगा शायद वो तेज़ी से ग्रो कर जाए, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था, वो ऐसे ही आपको बताया हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो अडेप्टेशन है, ठीक है, जो जानवर यहाँ पर अडेप्टेशन नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर मर जाते हैं, और जो अडेप्टेशन कर लेते हैं वो यहाँ पर जीवित रह जाते हैं, ठीक है, तो ये अडेप्टेशन थी। अगर हम यहाँ पर बात करें अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर ब्रीफली हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ये देख लिया था कि भाई आपको रेगिस्तान में, पर्वतों में, पानी में आपको कौन कौन से जीव जंतु, कैसे आपके पेड़ पौधे मिलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कौन से थे, जैसे कि जो धरती पर जहाँ पर आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों देखने को मिलते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डेजर्ट्स के बारे में। तो डेजर्ट में हमने ये बताया हुआ है कि आपको यहाँ पर हमने ए बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात की थी, तो ए बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से थे, जैसे कि आप देख पाएंगे कि जो आपका सन हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, सनलाइट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं हमारी ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स की, तो आपको यहाँ पर इन्होंने कैसे अपने आप को तब्दील कर लिया होगा, ठीक है ना, तो मेनली हम ये चैप्टर कौन सा रहे हैं अडेप्टेशन का, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इन्होंने बताया था कि भाई जो हैबिटेट है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, तो वो रेगिस्तान वाले जिन प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया या फिर जो जानवर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप बहुत सारे जानवरों को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप चूहे या फिर जो स्नेक, जो सांप होते हैं, ठीक है, और या अगर आप ऊँट की भी बात करें, तो ऊँट की जो लेग्स होती हैं वो कितनी ज़्यादा लंबी होती हैं, ठीक है ना, तो इससे क्या हो पाता है, उसके लंबे पैरों के कारण जो गर्मी है, ठीक है ना, जैसे कि हम जाते हैं ना कई बार सड़कों पर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसकी हीट हमारे पैरों में फील हो रही होती है, ठीक है ना, तो इसी के कारण अगर आप कैमल को देखें, उसकी लेग्स कितनी ज़्यादा लंबी होती हैं, तो उसकी जो रेगिस्तान में जो गर्मी है वो उसकी बॉडी तक जल्दी पहुंच नहीं पाती, ठीक है, तो इसकी लंबी लंबी टांगे मदद करती हैं कि भाई ये जो गर्मी है वो मेरे से थोड़ा सा दूरी रहे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई ये जो आपके स्नेक्स या फिर जो भी आप यहाँ आपने यहाँ देखा था ना, जो चूहे हैं, ठीक है, तो अगर हम चूहे या फिर जो स्नेक्स की बात करें, तो ये बिल में रहते हैं, मतलब कि ये नीचे अंदर ठंडक में गड्ढे बनाकर रहते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर एक इमेज भी दिखाई दे रही होगी, ये स्नेक है, ये रैट है और ये स्नेक है, ठीक है ना, तो इन्होंने होल बना लिया है जहाँ पर इनको ठंडक मिलेगी, और यहाँ पर ये क्या करते हैं, जैसे कि ये दिन के टाइम में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रात हो, दिन के टाइम में जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो इन्होंने यहाँ पर खड्डे बनाए होते हैं, ठीक है, होल्स बनाए होते हैं, तो ये इनमें जाकर छुप जाते हैं, ठीक है ना, तो ये दिन के टाइम में तो ये छुप जाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब ये रात का टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है, क्योंकि रात को आपको पता है ना कि जो रेगिस्तान है, जो जितनी जल्दी गर्म जल्दी होता है वो उतने ही जल्दी बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है, ठीक है ना,
तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो रेगिस्तान है वहाँ पर रात में बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहने वाली बातें हैं, या आपको पता ना हो शायद, कि भाई रेगिस्तान में लोग भले ही दिन में कुछ ना पहनते हों, जैसे कि कपड़े बहुत हल्के पहनते हों, और रात में उनको शायद रजाई भी लेनी पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये दिन टाइम तो ये अंदर छुप कर बैठते हैं, और रात के टाइम ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, जब यहाँ पर ठंडक होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैक्टस की, तो आप कैक्टस के बारे में कुछ बातें नोटिस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कैक्टस ने अपने आप को इस एनवायरनमेंट में कैसे ढाल लिया है, तो आपको जो भी रेगिस्तान में पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, तो वो थोड़े से कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आप कैक्टस की बात करें, तो कैक्टस भी आपने जरूर देखा होगा, तो आप कभी ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखिएगा कि कैक्टस होगा ना, उसको थोड़ा सा तोड़कर देखिएगा, उसके अंदर ना बहुत सारा पानी भरा होगा, ठीक है ना। तो वो पानी क्यों भरा होता है, क्योंकि जो इसने ना, जो कैक्टस है, इसने खुद को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदल लिया है। जैसे कि जो उसके पत्ते हैं, ठीक है, इसके पत्ते बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है ना। इसके बहुत ज़्यादा पत्ते मोटे होने के कारण जो धूप की किरणें हैं, अब आपको ट्रांसपिरेशन नाम का एक वर्ड याद आ रहा होगा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन नाम का एक वर्ड याद आ रहा होगा, कि ये वर्ड क्या था। अभी जो पानी के पत्ते होते हैं, जो भी पत्ते होते हैं, उनसे क्या होता है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उनसे ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, मतलब कि जब भी उन पर धूप की किरणें पड़ती हैं, तो उनमें से पानी निकलकर इवेपोरेट होता है। बट यहाँ पर अगर आप बात करें कैक्टस की, तो इसके पत्ते इतने ज़्यादा मोटे होते हैं कि भाई आप ना, ये जो ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया है, इवेपोरेशन की क्रिया, वो बहुत ही धीरे होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसके पत्ते बहुत ज़्यादा मोटे हैं, और यहाँ पर पत्ते तो है ही नहीं, यहाँ पर आपको कंटीली, आप कह सकते हैं कि कंटीली आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिसके कारण इसने ना खुद को अपने आप में तब्दील कर लिया है। अगर आप वही बात करें कि किसी प्लेन मैदानी एरिया है, वहाँ का अगर आप पेड़ों की बात करें, तो वहाँ के जो पत्ते होते हैं वो कितने ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जो पानी की इतनी ज़्यादा कमी नहीं होती। तो यहाँ के इलाके वाले जो पेड़ पौधे हैं, इनमें ना, इनके पत्ते बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो इनमें जो पानी की मात्रा है वो क्या होती है, वो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो नहीं पाती, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे ये वाला जो कंसेप्ट है, कि भाई यहाँ के जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, वो यहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, अब हम माउंटेन रेंजेस की बात कर लेते हैं, कि भाई माउंटेन जो पर्वती इलाका है, वहाँ पर कैसे कैसे आपको जानवर, या फिर कह सकते हैं प्लांट पौधे देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक ना प्लांट्स है, जो ये आपको कॉनिकल शेप में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके जो पत्ते हैं, या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो इसकी आकृति है, वो आपको माउंटेन्स में ये इस तरह की दिखाई देती है। तो आपको ये पता होगा कि जो माउंटेन्स वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ती है, जिसको हम स्नोफॉल भी कह सकते हैं। तो जब भी बारिश या फिर स्नोफॉल होती है, तो वो यहाँ से गिरकर ये सीधे यहाँ पर नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसने भी, इस प्लांट्स ने भी अपने आप को तब्दील कर लिया है, अडेप्टेशन कर लिया है, कि इसमें से ये यहाँ पर सर्वाइव कर पाए इस एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। तो इस एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर पाए, इसलिए इनकी जो शेप होती है वो कॉनिकल होती है, ठीक है, वो कॉनिकल आधार की यहाँ पर होती है। अगर हम यहाँ पर माउंटेनस रीजन, जो पर्वतीय इलाका है, तो यहाँ पर अगर आप कभी गए होंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रीज इसी तरह के देखने को मिलते होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपको यहाँ पर जो जो आपको जानवर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो जानवर जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, उन्होंने भी खुद को, अपने आप को इस एनवायरनमेंट में ढाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे ए एंड बी, ठीक है ना, ए एंड बी। यहाँ पर आपको स्नो लीपर्ड, ठीक है, जो यहाँ पर स्नो तेंदुआ जो होता है, और यहाँ पर याक आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर क्या है, ये जो जंगली आप कह सकते हैं, या फिर पर्वती जो बकरी होती है, वो आपको देखने को दिखाई मिल रही होगी, ठीक है ना। तो इनकी जो चमड़ी होती है, वो इतनी ज़्यादा मोटी होती है कि यहाँ पर ठंड में, ठीक है ना, ये ठंड में क्या कर सकते हैं, ये ठंड में खुद को, अपने आप को गर्म कर सकते हैं। अब ये इंसान तो है नहीं कि भाई रजाई ले लेंगे अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ये भी एक बात समझने वाली थी। तो इनके जो फीट होते हैं, ठीक है, इनके ये आप कह सकते हैं जो पंजे होते हैं, वो इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि भाई उनको यहाँ पर ठंड में चलने में ज़्यादा कोई समस्या नहीं आती है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि भाई इन्होंने भी अपने आप को अडेप्टेशन कर लिया, ठीक है ना। तो इन्होंने पर्वत में रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं, या फिर जो आपको जानवर देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने भी अपने शरीर की अडेप्टेशन यहाँ पर कर ली है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रासलैंड की, अब ये ग्रासलैंड क्या है, तो ग्रासलैंड आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ये घास के मैदान होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ग्रासलैंड में आपको जो हिरन होते हैं, और यहाँ पर जो आपको शेर, जो बब्बर शेर होता है ना, लॉयन, वो आपको देखने को मिलता है।
तो वो क्या करते हैं, अगर आप लॉयन को देखेंगे तो इनकी आंखें एकदम सीधी होती हैं। यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि भाई अपने शिकार को अच्छे ढंग से कर पाए, और यहाँ पर इनकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों की बात करें, यहाँ पर जो डियर है और यहाँ पर जो लॉयन है, ठीक है ना, तो अगर आप इसकी बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम डियर की जो हिरन है इसकी बात करें, तो इसकी टांगे कितनी ज़्यादा पतली पतली होती हैं, मतलब ये कि अपने आप को ये शिकार से बचा पाए और ये बड़ी तेजी से क्या कर पाए, ये भाग पाए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर शेर को हम क्या कहते हैं, शेर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रेडिएटर, ठीक है। जैसे कि प्रेडिएटर क्या होता है, प्रेडिएटर होता है शिकारी, और प्रे क्या होता है, प्रे होता है शिकार, ठीक है ना। प्रे क्या होता है, शिकार, आपने याद रख लेना है। तो यहाँ पर प्रे क्या है, ये प्रे है, ठीक है, जो हिरन है प्रे है, और प्रेडिएटर कौन है, ये लॉयन है, ठीक है ना। प्रेडिएटर शिकारी, प्रे क्या है, शिकार। तो ये यहाँ पर एक बात बताई हुई है इन्होंने हिरन और शेर के बारे में कि भाई इनके जो कान होते हैं, किनके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनके आपको ईयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, कि जो आपको यहाँ पर हिरन दिखाई दे रहा है, किसके बड़े बड़े कान बनाए हुए हैं, क्यों, क्योंकि जब भी कोई शिकार आए, शिकारी आए, तो ये बड़ी तेजी से भाग सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान ने या फिर एनवायरनमेंट ने इसको इस हिसाब से ढाल दिया है कि भाई तुम यहाँ पर अगर ये ना भाग पाए तो क्या होगा, तो सारे हिरन तो ये शेर ही खा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये पता ही होगा कि जो ये चेन बनाने के लिए, जो भी बैलेंस बनाने के लिए, यहाँ पर सभी जानवरों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सम एक्वाटिक हैबिटेट्स की, ठीक है ना, यहाँ पर एक्वाटिक हैबिटेट्स की, जो पानी में रहने वाले हैबिटेट्स हैं, जो भी जगह हैं जहाँ पर जानवर रहते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ओशंस की, महासागर या फिर जो भी समुद्र है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो फिश है इसके बारे में हमने ऑलरेडी कल डिस्कस भी किया हुआ था कि इसकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, स्ट्रीम लाइंड होती है, मतलब सीधे ही, है ना, हमने अभी शेप देखी थी ना कि इसकी शेप कुछ ऐसे होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो शेप होती है ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो शेप होती है ये इसकी कितनी हेल्प करती है, ठीक है ना, ये इसकी कितनी ज़्यादा हेल्प कर पाती है कि इसने पानी में अगर तैरना होता है बैलेंस बनाने के लिए, कितनी तेज़ी से ये यहाँ पर कह सकते हैं कि तैर पाती है। तो यहाँ पर जो सभी फिशेज होती हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने एक बात देखी थी ना कि भाई जो यहाँ पर मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी यहाँ पर मछलियाँ होती हैं जो ऊपर आकर यहाँ पर ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, कि जो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, तो हमने ये भी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीजन होती है वो पानी में क्या होती है, वो मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ समुद्री जानवर होते हैं जैसे कि जो डॉल्फिन्स और व्हेल्स, ठीक है। तो डॉल्फिन्स ने आपको, आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा डॉल्फिन्स को, तो यहाँ पर जो डॉल्फिन्स होती हैं ये कुछ टाइम तक ऊपर आती हैं, ठीक है, इनको हम ब्लो होल्स कहते हैं, ठीक है, ब्लो होल्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो द ब्रीद इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स, तो यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स या फिर ब्लो होल्स की मदद से ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर सांस लेते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए जो फिशेस होती हैं डॉल्फिन्स या व्हेल्स, ये समुद्र के ऊपर आती हैं और सांस लेकर फिर से चली जाती हैं, और इनको ज़्यादा टाइम तक ये पानी में, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक क्या करती हैं, इनको यहाँ पर ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि एक बार इन्होंने सांस ले ली, ब्रीथ कर लिया, तो इनको वहाँ पर अंदर ही काफ़ी टाइम तक ये रहती हैं। तो जब भी इनको ज़रूरत होती है ये फिर से यहाँ पर आ जाती हैं, तो ऊपर क्या करने, सांस लेने। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पोंड्स एंड लेक्स की, तो ये पोंड्स क्या होते हैं, पोंड्स होते हैं तालाब, लेक्स मतलब कि जो झीलें होती हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर प्लांट्स देखने को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तो कुछ प्लांट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जिनकी जड़ें तो जमीन में दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, यहाँ पर आपको जमीन में जड़ें हैं और फूल है वो आपको पानी के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जड़ें तो ऊपर ऊपर ही तैर रही हैं, ठीक है, और ये जो फ्लावर्स हैं यहाँ पर उगे हुए हैं, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है फिगर 9.9 में कि सम एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, सम हैव देयर रूट्स फिक्स इन द सॉयल एट द बॉटम, सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज इन वाटर, कि कुछ यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो पानी में तैरते हैं, और कुछ की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो जमीन में धंसी हुई होती हैं, ठीक है, जमीन में गड़ी हुई होती हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें फ्रॉग्स की, जो यहाँ पर मेढक होता है, ठीक है, मेढक की अगर हम बात करें तो ये आमतौर पर पॉन्ड्स में रहता है, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे ये जमीन पर भी रहता है, ये पानी में भी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें तो इसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो इनकी अगर आप जीभ देखेंगे तो ये भी अपने शिकार को बहुत ही मजबूती से पकड़ पाते हैं, और इनके अगर आप पैर देखेंगे तो उसमें कुछ जाल जैसा, एक वेब जैसा यहाँ पर बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे।
इनके बारे में अभी इतना ज़्यादा तो नहीं हमें बताया हुआ, बट इसके हम देखेंगे कि भाई आगे जो चैप्टर्स आते हैं ठीक है, तो उसमें हमें यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या थे कि जो भी यहाँ पर जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं, इनके हम विशेषताएं होती हैं ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स होते हैं ठीक है, ये कौन कौन से इनकी कह सकते हैं विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से सांस ले सकते हैं, कौन से चल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल्स बताई हुई है, जंगलों में ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स जो जानवर हैं, पक्षी हो गए, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉयल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स। तो यहाँ पर बहुत सारी इन्होंने बातें बताई हुई हैं कि भाई इन्होंने ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों को ही मिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई इनमें से लिविंग कौन सा है, कौन सा इसमें जीवित है, कौन सा इसमें नहीं जीवित है। अगर हम बात करें कि भाई जो चल सकता है वो जीवित है, तो इस हिसाब से तो जो बादल हैं वो भी चल सकते हैं, पानी भी चल सकता है, ठीक है ना। जैसे कि नदियों की धाराएं हैं वो बहती हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई इसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अब ये आपको पता है कि भाई ये 6th क्लास की किताब है, तो यहाँ पर बच्चों के मन में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन यहाँ पर आ ही जाती है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी यहाँ पर बातों को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे ठीक है ना, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि भाई जो चेयर होती है, जो टेबल होता है, वो क्या है, वो अलाइव यहाँ पर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो कह सकते हैं जो हमारी चेयर है जो लकड़ से बनी हुई है वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि भाई इनकी जो विशेषताएं होती हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड की, क्या यहाँ पर जो सभी जीव जंतु होते हैं सभी को यहाँ पर जो खाना होता है उसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि भाई अगर हम प्लांट्स की बात करें ठीक है, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में अगर हम देखें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि जो सूरज की किरणें होती हैं अपनी पत्तियों की मदद से, जो भी इनकी लीव्स होती हैं उनकी मदद से अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और उस क्रिया को क्या कहा जाता है, उस क्रिया को फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको जो हैन दिखाई दे रही होगी ठीक है ना, चिकन ग्रोज इन एन अडल्ट, और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती होंगी ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये सारे भोजन अपना खुद बनाते हैं ठीक है, या तो कह सकते हैं खुद तो नहीं बनाते, जैसे कि जो क्रॉप्स होती हैं ठीक है, क्रॉप्स को ये लेकर आते हैं या फिर ये ले लेते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल से ये फूड होता है वो ले लेते हैं ठीक है ना, इनको फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, है ना। तो मतलब यही है कि जो एनिमल्स हैं ठीक है, इनको डिपेंड रहना पड़ता है, मतलब कि हमें भी प्लांट्स पर या फिर अदर एनिमल्स पर हमें क्या करना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है हमें भोजन के लिए। तो यहाँ पर अब बताया हुआ है कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, कि यहाँ पर जो सभी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो क्या सभी ग्रो करते हैं, मतलब कि बड़े सभी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसे ही बताया हुआ है कि जो आपका ये कुर्ता है ठीक है, तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो जो आपका कुर्ता है वो हमें छोटा पड़ जाता है ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, ये चूजा आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये चिकन है ना, तो ये कैसे कैसे ये धीरे धीरे हैन में तब्दील हो जाती है ठीक है ना। तो इसी तरह आपको बहुत सारे प्लांट्स भी देखने को मिलते होंगे जो कि शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी आपको बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इनका साइज भी बढ़ जाता है कुछ दिनों में ठीक है ना। तो इनकी भी स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की ठीक है। आपको यहाँ पर एक बच्चा भी दिखाई दे रहा होगा, पहले ये छोटा है, फिर यहाँ पर इतना बड़ा हो गया, धीरे धीरे ये ऐसे चलना शुरू कर दिया, फिर ये इतना बड़ा हो गया और लास्ट में ये पूरा अडल्ट ही बन गया। अब हम यहाँ पर बात करें डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर की, क्या यहाँ पर जितने भी आपको जीव जंतु देखने को मिलते हैं ये कभी सभी सांस लेते हैं ठीक है ना। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई हमें यहाँ पर सांस लेने की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में ठीक है, तो इसी सांस लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं ठीक है। तो रेस्पिरेशन करने के बाद क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में ठीक है, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, कि हमें ये पता है ना कि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो एनर्जी की ब्रेक डाउन क्यों हो पाती है, क्योंकि भाई हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो जो ये एनर्जी है वे जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो भी कह सकते हैं कि एनर्जी होती है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड करके आती है, कि जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें जो भी ग्लूकोज होता है वो कह सकते हैं कि वो उस ब्रेक डाउन होती है उसकी ठीक है। जो भी फूड होता है हमने वो जो कंज्यूम किया होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है, तभी तो वो बाद में एनर्जी में कन्वर्ट होता है ठीक है ना। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप काऊ या फिर जो भी गाय, बफेलो, डॉग्स, कैट्स ठीक है, तो ये भी ह्यूमन बींग की तरह सिमिलर होते हैं, तो इनको भी क्या जरूरत पड़ती है,
सांस लेने की, इनको भी ऑक्सीजन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें भी और प्लांट्स के बारे में भी पता लगता है कि भाई ये क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा जो सिस्टम होता है वो ऑपोजिट होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर बहुत सारे जो आपको जानवर या फिर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं, तो इनका सांस लेने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो हमने कल अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा था ना कि जो कैसे चलता है, तो इनमें बिल्कुल भी हड्डियाँ नहीं होती, तो ये सांस कैसे लेता है, ये अपनी जो भी चमड़ियाँ होती हैं ना इसकी मदद से सांस ले पाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर फिश की, तो फिश का हमने ऑलरेडी देख ही लिया था कि जो अपने गलफड़े होते हैं ना, गिल्स, इसकी मदद से सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये गिल्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को यहाँ पर जो भी पानी में घुली हुई होती है उसको लेने के बाद यहाँ पर सांस ले पाते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स भी इसी तरह सांस लेते हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं कि जो इनका स्टोमेटा होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको ना जो पत्तियाँ होती हैं, जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जो लीव्स में आपको यहाँ पर ग्रीन पोरस देखने को मिलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है, उसको स्टोमेटा यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये इसी की मदद से क्या कर पाते हैं, ये सांस ले पाते हैं। तो इसी तरह क्या करते हैं, इन्होंने यही बात यहाँ पर बताई हुई है। और बाद में इसी की मदद से ये क्या करते हैं, ये सांस लेने के बाद यहाँ पर ब्रेक डाउन जो यहाँ पर भोजन है वो यहाँ पर सूरज की गर्मी के कारण या फिर सूरज की जो सनलाइट की मदद से ये क्या बना पाते हैं, ये भोजन यहाँ पर बना पाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई क्या होता है, ठीक है ना, तो स्टिमुलाई के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई आपको ना यहाँ पर कभी किसी ने एक पिन है, ठीक है, पिन आपने या फिर पिंच किया आपने हैंड को, ठीक है, या फिर किसी और ने किया, या फिर आपको किसी ने बिल्कुल से एक ना थापी जैसी मारी, ठीक है, थम्पिंग की किसी की, तो आपको थोड़ी बहुत पेन होती है कि नहीं होती है, तो आप क्या करते हैं उसका बिल्कुल एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो स्टिमुलाई है, ठीक है ना, कि आप उसका रिएक्ट क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या है, रिस्पॉन्ड करते हैं आप। जैसे कि अगर आप और भी यहाँ पर चीज़ें देखें कि कभी कभार आप अंधेरे में होते हैं, ठीक है, तो आपकी अंधेरे में आप अचानक से ही दिन में आ जाएं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपके सामने कोई फेवरेट फूड है वो रख दिया जाए, जैसे कि भोजन है, जैसे कि खीर हो गई, पूड़ियाँ हो गई, या फिर और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, तो वो आपके सामने अगर रख दी जाएँ तो आप एकदम से कैसे ना आपके मुँह में पानी आ जाता है, ठीक है, जैसे कि और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, तो इसको हम कहते क्या हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमिडिएटली टू सच थिंग्स, कि हम अचानक से इन सभी चीज़ों का जवाब देते हैं। तो अगर हम स्टिमुलाई की यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो वो क्या लिखी हुई है कि चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई, कि भाई जो भी आपके आसपास में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं तो उसके थोड़े से बदलाव के कारण आप क्या करते हैं, एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। उम्मीद है आपको ये पता लग गया होगा कि स्टिमुलाई किसे कहते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने स्टिमुलाई की एग्जाम्पल्स भी दी हुई है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या यहाँ पर जो सभी जानवर होते हैं वो सभी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई जानवर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा या फिर एनिमल प्लैनेट, जैसे यहाँ पर आपने काफ़ी चैनल देखे होंगे, तो यहाँ पर कई जानवर ऐसे होते हैं जिन पर अगर रोशनी डाली जाए तो वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह इन्होंने एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि क्या प्लांट्स होते हैं, क्या वो भी स्टिमुलाई पर चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने एक बताया भी हुआ है, जैसे कि एक मिमोसा, टच मी नॉट, ठीक है, टच मी नॉट, जिसको हिंदी में शायद छुई मुई कहते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप अगर आप हाथ लगाओगे ना तो वो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। तो ये क्या है, ये भी तो रिस्पॉन्ड ही कर रहा है, ठीक है ना, तो ये भी तो स्टिमुलाई ही है। सो यहाँ पर एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करने को कहा है कि आपने क्या करना है, एक डार्क रूम में, ठीक है, जिसकी आपने खिड़कियाँ खोल देनी है, यहाँ पर आपने ना एक फ्लावर लगा देना है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो उसका फ्लावर है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर सूरज की किरणों की तरफ भागेगा। बट ये सभी फ्लावर्स के केस में नहीं होता, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो रात को ग्लो करेंगे, मतलब कि रात को खिल जाएंगे, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि शाम के टाइम पर मुरझा जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, तो आपको ये पता है ना कि हम ये सभी जो बातें हैं ये क्या पढ़ रहे हैं, ये जो भी यहाँ पर आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं उनकी हम यहाँ पर विशेषताएं हैं वो देख रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और क्या करते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन, की मतलब कि ये जो अपने बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है ना इसको ये बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कुछ भी भोजन खा लेते हैं, ठीक है, भोजन खाने के बाद हम जो भी अपना वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम यहाँ पर निकाल देते हैं, मतलब कि वो बॉडी हमारी एक्सेप्ट नहीं कर सकती उसे अब, ठीक है, जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जैसा कि पता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, आयरन, ठीक
ठीक है, कैल्शियम, विटामिन्स, ठीक है। तो ये सारी हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सभी कंज्यूम करने के बाद जो हमारी बॉडी होती है इन सभी को बाहर निकाल देती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये सभी जानवर करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें प्लांट्स की, तो क्या प्लांट्स भी ये सब जो क्रियाएं हैं वो करते हैं? तो इसका आंसर है यस, वो करते हैं। तो आपने कई बार प्लांट्स के यहाँ पर देखा भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एक येलोइश ना एक ग्लू टाइप का प्लांट्स से निकलता आपने काफ़ी बार देखा होगा, ये नॉर्मल है बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं, ये सिक्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, ये कह सकते हैं कि ये भी कॉमन है, ठीक है, जो भी यहाँ पर सभी आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, कि भाई ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या ये जो अपना रिप्रोड्यूस है, ठीक है, तो या फिर बच्चे पैदा करना या फिर जो अंडे देना, तो ये क्या करते हैं, ठीक है, ये कैसे होता है इनका, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में देखें, आपको 9.13 में यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं या फिर जैसे कि जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मैमल्स की, तो मैमल्स क्या करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। बट प्लांट्स में जो रिप्रोड्यूस का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर एनिमल्स में, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर मोड है रिप्रोडक्शन के। इसी तरह यहाँ पर अगर आप बहुत सारे प्लांट्स को देखो तो वो क्या करते हैं, सीड से फिर वो प्लांट बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, सम एनिमल्स विच गेव बर्थ टू यंग वंस, कि जो ये बच्चे देते हैं, ये उनकी एक डायग्राम बताई हुई है। तो यहाँ पर एक बीज की बात बताई हुई है कि पहले ये बीज था, फिर ये धीरे धीरे कैसे यहाँ पर खिलना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको डायग्राम यहाँ पर बड़े अच्छे से दिखाई दे रही होगी, तो ये यहाँ पर बात बताई हुई है। अब हम यहाँ पर बात करें कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, कि क्या यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑब्वियस बात है ये मूव करते हैं, बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर प्लांट्स होते हैं सांस भी लेते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स भी देते हैं, बट ये मूव नहीं करते, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जमीन से क्या होते हैं, ये एंकर्ड होते हैं, ठीक है, जमीन के कारण जुड़े होने के कारण ये क्या नहीं कर पाते, ये मूवमेंट नहीं कर पाते। सो एट लास्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि हमने ये चैप्टर में पढ़ा क्या, कि भाई जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, ठीक है, जो स्टिमुलाई है, ठीक है, उसका जवाब देते हैं, रिप्रोडक्शन होती है इनके बीच में, ये मूवमेंट भी करते हैं, ग्रो भी होते हैं, और एक दिन मर भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितनी सारी यहाँ पर बातें यहाँ पर डिस्कस की, कितनी सारी इनकी विशेषताएँ हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हमने यहाँ पर कितने सारे, हमने यहाँ पर देखा कि ये एक्सक्रीशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन अगर ये ना करें तो इनकी जो प्रजाति होती है वो खत्म हो जाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाट देन इज लाइफ, कि ये जिंदगी है क्या। यहाँ पर इन्होंने ना एक वीट की बात कही हुई है, कि जो हमारी जो गेहूं होते हैं ना, तो गेहूं में इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप गेहूं की बोरी में हाथ लगाएंगे, ठीक है, अगर उसमें आप हाथ डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई वो थोड़े थोड़े गर्म है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वो भी वो सांस यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये बात बताई हुई है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जो वीट है, ठीक है, अनाज है, वो क्या है, क्या वो जिंदा सांस लेते हैं, तो हम बताएंगे हाँ वो सांस बिल्कुल लेते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर, जैसे कि आप अगर स्टोर में जाएंगे, ठीक है, तो आप बहुत सारे जैसे कि जो चने होते हैं, ठीक है, जो भीगे भीगे हुए चने नहीं, बस सिंपल चने, तो आप देख पाते हैं कि उनके दुकानों में कितने टाइम तक वहाँ पर पड़े रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जब भी हम इसको घर पर लाते हैं, उसको भिगोते हैं, तो उनमें से आप देख पाते हैं कि वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बात यहाँ पर बताई हुई है। और लास्ट में इन्होंने कहा है कि भाई जो लाइफ है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इन्होंने ये बहुत ही अच्छी बात बताई हुई है। अब हम लास्ट में थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, ज्यादा हम जाएंगे नहीं। अडेप्टेशन हमने पढ़ लिया, एक्वाटिक हैबिटेट पढ़ लिया, बायोटिक कंपोनेंट पढ़ लिया हमने, एक्सक्रीशन भी पढ़ लिया, ग्रोथ भी पढ़ लिया, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड स्टिमुलस। तो यहाँ पर हमने इसके अलावा भी बहुत सारी बातों को इस चैप्टर में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर से बताया करें आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और हमारे वीडियोस को, आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।